तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, काफी दिनों बाद व्लॉग आ रहा है बिकॉज मेरे चल रहे हैं एग्जाम, तो अब व्लॉग कम आ रहे हैं। और शेरू तो घर पे चला गया, दो दिन पहले चला गया वो, क्योंकि उसका काम था। और शेरू आया उसके बाद एक ही व्लॉग बना था, उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बना क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं तो स्टडी करते हैं। फिलहाल शेरू और मुख्तियार दोनों चले गए अपने एग्जाम देने जोधपुर, तो अभी तो फिलहाल मैं अकेला घर पे हूँ और नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। और मैंने सुबह सुबह परेटा भी बना लिया, परोठे और चाय के साथ खा लिए। और मस्त यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाय थोड़ी छोड़ ली है और एक परोठा भी बचा है, तो मस्त खावा के मैं तो नहा धो के मस्त हो गया। और फिलहाल अभी स्टडी कर रहा था चाय में पी के, और मैंने सोचा आज थोड़ा सा व्लॉग कर लेता हूँ। और मौसम बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है, 45 से 46 डिग्री यहाँ पे तापमान हो रहा है राजस्थान में, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। और शेरू उनके शायद तीन चार दिन एग्जाम है वहां पे, तो जोधपुर है अभी, तो फिलहाल रात को निकल गए थे वो, रात को 12 बजे। और फिलहाल मैं अकेला घर पे हूँ क्योंकि मेरा पार्टनर वो भी घर पे है, वो आ जाएगा क्योंकि कल हमारा एग्जाम है और हिस्ट्री का, तो वो एग्जाम देंगे हम। और 26 तारीख को है, फिर 28 को है, फिर 9 तारीख को, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर अपन चलेंगे कहीं बाहर। तो गाइस, फिलहाल मैं स्टडी करके हो गया और फिलहाल शाम के बज रहे हैं 4। और अभी देखा तो किचन में इन्होंने पता नहीं कहाँ, ये देखो यहाँ पे आटा डाल दिया और यहाँ पे मिर्च, और ये पूरे पूरे ढक्कन खोल दिए, इसके भी इसके भी इसके भी, और साथ में दाल के ये पता नहीं क्या क्या कर दिया किचन में। शेरू गोसा शेरू ने पता नहीं कुछ कुछ कर दिया। और यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी वो भी धोई नहीं, और एक परोठा बचा है वो भी खाया नहीं। तो फिलहाल तो अपन चलते हैं बाहर का मौसम देखते हैं क्या हो रहा है। शाम हो चुकी है, मस्त मौसम हो रहा है, तो ऊपर चलते हैं क्या हुआ। धूप तो बहुत ज्यादा है, तो चलो ऊपर चलते हैं देखते हैं क्या सीन है बाहर। हमारे यहाँ पे रास्ता बन चुका है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मस्त हो रहा है और यहाँ पे रास्ता बन गया। आज कैंप खड़ी है, तो चलते हैं फिलहाल ऊपर। ऊपर अभी तो फिलहाल धूप हो रही है, फिर भी छाया है इस साइड में, मस्त हो रही है धूप। तो देखो काफी मस्त मौसम हो रहा है, यहाँ से फिलहाल हो रही धूप। सीन कुछ ऐसा है कि अपन जाएंगे अभी चाय पीने साइड, और यहाँ पास में पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। बाहर में एक अंकल जी साइकिल से गिर गए, वहां पे साइकिल से गिर गए अंकल जी, वह साइकिल उनकी गिर गई तो सब लफड़ा हो गया। पता नहीं अंकल थोड़े बूढ़े थे, साइकिल पता नहीं फिसल गई और नीचे गिर गए। तो ये कुर्सी पता नहीं शेरू ने कहाँ रख दी थी, अब आज पूरा दिन यहाँ पे धूप में चल रही थी, तो उसको छाया में रख दी थी। तो गाइस फिलहाल तो चलते हैं मस्त चाय पीने। और देखो अपने घर के बाहर मस्त रास्ता बन गया है फुल डम्बर टाइप का, तो ये देखो काफी मस्त गली दिख रही है, कोई नहीं है एकदम साफ। तो चलो इसको बंद करते हैं पहले, और गली देखो काफी शार्प हो रही है, तो चलो चलते हैं चाय पीने। यहाँ से ये काफी अच्छी गली दिखती है, देखो मस्त वाइब आती है। तो यहाँ पे सामने होटल की कैलाश बड़ी होटल है यहाँ की, और सामने से यहाँ से टर्न लेंगे तो मस्त चाय वाला है, तो मस्त यहाँ पे देखो ये पेड़ है और पीछे से धूप निकल रही है, तो ये गली मस्त है, यहाँ से जाते हैं मस्त और यहाँ से टर्न मार के चाय पीते हैं। मस्त बैठ के चाय पीते हैं, यहाँ से मस्त व्यू देखो पीछे, और मस्त चाय पीने। तो गाइस फिलहाल चाय वाय पी लिए मस्त, और फिलहाल तो अभी चलते हैं अपने रूम पे, और इस साइड से बना रहा हूँ क्योंकि पीछे धूप पड़ रहा है, इसलिए इस साइड से शूट कर रहा हूँ। और मस्त अभी तो चलते हैं रूम पे, चाय वाय मस्त टेस्टी हो रही थी पी लिए, और अभी तो चलते हैं रूम पे स्टडी विस्टडी करते हैं क्योंकि कल हमारा एग्जाम है 3 बजे, क्योंकि 26 मई है इसलिए हमारा एग्जाम है, थर्ड एग्जाम है, तो एग्जाम देंगे मस्त। तो अभी चलते हैं अपने रूम पे और मस्त पढ़ाई वढ़ाई करते हैं और एग्जाम देखते हैं, एग्जाम खत्म करेंगे फिर कहीं चलेंगे मस्त जगह और मस्त व्लॉग आएंगे। तो गाइस चाय पी के मस्त आ चुके हैं, और फिलहाल अभी किचन में मैं सोच रहा हूँ दाल भिगो दूँ, तो अकेला हूँ तो दाल भिगो क्या करूँगा, एक को खानी है, तो मस्त देखते हैं क्या बनाएंगे, प्याज वेज बना देंगे या तो टमाटर बना देंगे, जो भी देखेंगे क्या सब्जी बनाते हैं आज। तो और फिलहाल तो एक परोठा पड़ा है, इसको थोड़ा गर्म करते हैं, पराठा इसको गर्म कर लेता हूँ, चाय तो ये सुबह की है।
चाय कौन खाएगा? चलो फिलहाल खाते हैं मस्त, ऊपर चल के एक परोठा है, पराठा मस्त, क्योंकि पराठा बना लिया है, चाय तो नहीं है, इसे ठूस लेंगे। चलो गाइस परोठे वराठे खा लिए मस्त, और धोबो के प्लेट रख दिए, और मस्त अकेला बैठा हूँ, और पढ़ाई तो मैंने दिन को कर दी है, रात को फिर कर लेंगे मस्त। और अभी तो यहाँ पलंग बिछा दिया है और पीछे चेयर रख दी है, तो मस्त आराम से बैठा हूँ और थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। और सामने से यहाँ पे देखो एक बंदा बड़ी बिल्डिंग के ऊपर पता नहीं क्या कर रहा है, वहाँ लाइब्रेरी है, इसलिए जो भी स्टडी करने आते हैं तो वहाँ ऊपर आते हैं थोड़ा बहुत रिलैक्स रहने के लिए, जो कॉल पे बात करते हैं अगर लाइब्रेरी में नहीं कर सकते इसलिए सामने वहाँ करते हैं, तो मस्त है। और पीछे सनसेट होने वाला है जो कि शाम हो चुकी है, तो मस्त मैं तो बैठा हूँ, फिर खाना बना लूंगा, एक के लिए खाना बनाना मस्त आराम से बना दूंगा, लेट बनाऊंगा और मस्त खा पी के सो जाऊंगा। और यहाँ पे कड़ी मस्त बना ली, तो प्लेट लेते हैं और इस प्लेट में कड़ी डाल देते हैं या डायरेक्ट खाएंगे, तो इसमें कड़ी को गर्म करते हैं। तो गाइस खाना खा के हो गया है, और फिलहाल घर में मैं अकेला हूँ, मस्त खाना खा के और कड़ी बनाई और मस्त रोटी बनाई, और गले को पता नहीं मेरे को क्या हो गया है, और फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि नींद आ रही है बहुत और गला भी दुख रहा है, तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, वीडियो लगी अच्छी है तो डोंट फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू। Gotta stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts.